गोपू को आज नदी के उस पार जाना था। गोपू को नौकरी मिल गई थी। डाक घर में क्लर्क बन गया था गोपू, लेकिन अब हर रोज उसे लंच पकड़कर जाना पड़ता था नदी के उस पार। हर सुबह वो 7 बजे पहुंच जाया करता था और वापस लौटने में शाम हो जाती थी। अरे आज तो लेट हो गया हूँ, कहीं छूट न जाए जहाज। चलो 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 जल्दी चढ़ता हूँ। जल्दी से वो चढ़कर अपनी सीट पर बैठ जाता है। बगल में एक शख्स अपनी पत्रिका पढ़ रहा होता है। ठंडी ठंडी हवाओं में नदी में जब नाव चल रहा होता है तो बड़ा ही अच्छा लग रहा होता है। और इस मौके में गोपू ने तो अपने घर से चाय का थर्मस भी लाया हुआ था। गोपू ने चाय के थर्मस से चाय निकाला और बगल बैठे शख्स को देखकर उसे लगा कि इससे भी पूछना चाहिए। क्या भाई साहब, चाय पियेंगे क्या आप? अरे नहीं, मैं चाय नहीं पीऊंगा, आप पीजिए। आपको मैंने देखा है, रोज आप जाते हैं नदी के उस पार, पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं ना? अरे बड़े आश्चर्य की बात है, आपको कैसे पता चल गया कि मैं उस पार पोस्ट ऑफिस में काम करता हूँ? अरे मैं, मेरा नाम है अभिषेक, मैं दरअसल एक भूत पकड़ने वाला तांत्रिक हूँ और मैं खोज में रहता हूँ। एक तरीके से मुझे डिटेक्टिव मान सकते हो, इसलिए मैं जान गया कि तुम पोस्ट ऑफिस में काम करते हो। हाथों में काली काली स्याही लगी हुई है और ये तो टाइपराइटर की निशानी है। उस पार में टाइपराइटर तो पोस्ट ऑफिस में ही है। बस ऐसे ही मैं जान गया, और कोई बात नहीं है। अच्छा, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन आपने जो बताया आप भूतों को पकड़ने का काम करते हो, मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। ये आप क्या आज के जमाने में ये सारी बातें कह रहे हो? अच्छा, आपको यकीन नहीं हो रहा है? तो जब उस पार नदी में उतरेंगे तो चलेंगे मेरे साथ। चलिए मैं आपको दिखलाता हूँ, मेरी प्रयोगशाला भूतों की उस पार ही है, जंगल में है। बात तो आपकी बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, लगता है चलना पड़ेगा। ठीक है, चलता हूँ फिर आज आपके साथ। अभिषेक बाबू और गोपू दोनों जंगल के रास्ते धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। जब वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें दिखाई देता है एक झोपड़ी, उसमें वो अंदर जाते हैं। अंदर जाते ही गोपू से अभिषेक जी पूछते हैं, तो भाई गोपू, आप चाय पीना पसंद करेंगे क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तो चाय का शौकीन हूँ। अभिषेक बाबू चाय लाने के लिए अंदर चले जाते हैं। कमरे में चारों तरफ देखकर गोपू हैरान रह जाता है। अचानक से एक चमगादड़ उड़ता हुआ कमरे से बाहर निकलता है। गोपू देखता है कमरे के चारों तरफ खाली शीशियां पड़ी हुई है, खाली बोतल पड़े हुए हैं, आर पार दिख रहा होता है और ढेर सारे बोतल हैं। इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे कि इन जार में कोई चीज हो, लेकिन वो दिखती ना हो। जैसे ही अभिषेक बाबू आए, गोपू ने सवाल कर दिया, एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानेंगे? अरे नहीं नहीं, क्यों बुरा मानूंगा, पूछो आप। ये जो आपने इतनी सारी बोतलें और जार मंगवा कर रखा है, अरे अचार बनाने का काम करते हो क्या आप? हा हा हा, अरे बड़ी अच्छी बात कही, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इन बोतलों में अचार बंद नहीं है, बल्कि इन बोतलों में बंद है भूत। गोपू पेट पकड़कर हंसने लगता है। हा हा हा, ऐसे ऐसे मॉडर्न समय में आप कह रहे हो इन जार में आपने भूत बंद करके रखा है? अब आपको दिखाना ही पड़ेगा भूत कैसे होते हैं। चलो आपको ब्रह्म भूत से मिलवाता हूँ। ये भूतों का सबसे बड़ा, शक्तिशाली और ताकतवर प्रकार होता है। इसे बस में करना आसान नहीं होता है, लेकिन हाँ, उससे पहले ये आप हाथ में रख लो माला। इस माला में लगी हुई मणि जब तक हिलती रहेगी तब तक समझो आप सुरक्षित हो, और इस माला को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। ठीक है, मैं नहीं छोड़ूंगा। अभिषेक बाबू गोपू को वो हार दे देते हैं और हार में लगा मणि डोलना शुरू कर देता है। इसी बीच अभिषेक बाबू एक जार को उतारते हैं और उस जार का ढक्कन खोल देते हैं।
जैसे ही उस जार का ढक्कन खुलता है वैसे ही ब्रह्म भूत बाहर आ जाता है। आज तुम सभी का आखिरी दिन होगा। अरे ये कौन है? और तूने मुझे पकड़ा है? तूने मुझे जार में इतने दिनों से बंद रखा, मैं तो तुम्हें चबा चबा कर खाऊंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। और तू कौन है? तू कहां से आया? अरे 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 ये माला मुझसे दूर रखो। ओ, ओ, ओ। ब्रह्मदूत अचानक से झपट पड़ता है गोपू के ऊपर और गोपू डर कर माला छोड़ देता है। बस माला छूटता है और उधर ब्रह्मभूत उड़कर खिड़की के रास्ते बाहर निकल जाता है। अरे ये क्या कर दिया आपने? आपको माला नहीं छोड़नी चाहिए थी ना, ये सबसे ताकतवर भूत है और ये अब भाग गया है, अब बहुत मुश्किल हो जाएगी। अरे मैं डर गया था, मैंने अपने जीवन में कभी ऐसी चीजें नहीं देखी, अचानक से हुआ ऐसा तो मेरे हाथ से छूट गया वो माला, मैं बहुत दुखी हूँ, आपकी मेहनत पे मैंने पानी फेर दिया। अच्छा कोई बात नहीं है, अब चलेंगे हम जंगल चलेंगे और उस भूत को वापस पकड़ेंगे। आप अपने हाथ में यंत्र ले लो और ये माला मुझे दे दो। ये यंत्र जब इसके बल्ब जलने लगे तो समझ लेना कि ब्रह्म भूत आसपास है। दोनों आखिर तैयार होकर जंगल की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। जंगल में चलते चलते अचानक से जो यंत्र गोपू के पास था उसके बल्ब जलने लगते हैं। ये देखिए ये सारे बल्ब जल रहे हैं। अच्छा इसका मतलब वो ब्रह्म भूत यही आसपास है, यही पे कहीं है, हमें अब बुलाना होगा उसे। और अभिषेक बाबू हाथ में हार लिए कुछ मंत्र का जाप करने लगते हैं। इतने में अचानक से एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा उनकी तरफ बढ़ा चला आता है। ये देखिए अभिषेक बाबू ये तो हमें मार डालेगा, चलिए भागिए। और दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। भागने के क्रम में अभिषेक बाबू के हाथ से गिर जाता है माला। भागकर ये किसी तरीके से एक पेड़ की ओट में अपनी जान बचा तो लेते हैं लेकिन माला वहीं रह जाती है। अभिषेक बाबू अब निराश होकर कहते हैं, हमें अपनी कोशिश करते रहनी होगी, हमें जाना होगा जंगल के उस हिस्से में जहाँ हमारा हार गिर गया है और अब हमें फिर से कोशिश करनी होगी और पकड़नी होगी। अभिषेक बाबू गोपू के साथ आखिरकार उस जंगल के उस हिस्से तक पहुंच जाते हैं लेकिन फिर से जो मशीन होती है उसमें बल्ब जलने लगते हैं। अभिषेक बाबू देखिए ये बल्ब जलने लगे। हाँ वो भूत यही है। इतने में गोपू के ऊपर से दो हाथ गोपू को उठाकर पेड़ों के ऊपर ऊंचाई पर ले जाते हैं और गोपू को एक शाखा में बैठा देते हैं। तभी नीचे से अभिषेक बाबू मंत्र का जाप करते हुए उस माला को हाथ में पकड़े रहते हैं, जार के ढक्कन को खाली किए हुए। अभिषेक बाबू के मंत्रों की जाप की वजह से वो ब्रह्मभूत आखिरकार खींचा चला आता है और जार में बंद हो जाता है। अभिषेक बाबू अब गोपू से कहते हैं, और भूत देखना है? अरे नहीं नहीं मुझे मेरा पोस्ट ऑफिस ही ठीक है, मुझे अब नहीं देखना है भूत, ये आपको मुबारक हो, मैं चलता हूँ। कहकर गोपू वहाँ से भाग निकलता है।